हेलो एज आई प्रमिस्ड येस्टरडे कि मैं लाइव आने वाली हूँ एंड आज देखिए मैं बिल्कुल टाइम पे लाइव हूँ एट ओ क्लॉक हुआ भी नहीं है अभी अभी जस्ट सी इट्स एट ओ क्लॉक हाय हाय हेलो आई थिंक uh, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन कर रहे हैं मैं वेट करती हूँ उनके लिए सबको हाई सनी uh, जी हाय रोहित चौहान हाय साहू नवल जी हेलो आरिफ uh, सिद्दीकी जी हाय वज़ीर आलम जी हाय आई थिंक हमारे तौसीफ भाई भी लाइक थे जो जिन्होंने अभी रिसेंट एक मेरा सॉन्ग रिलीज़ हुआ रिलीज था दिल लौटा दो उनकी मिक्सिंग मास्टरिंग उन्होंने करी है एंड आई होप आप सब ने गाना सुना होगा हाय हाय रवि शंकर ब्यूटीफुल थैंक यू शंकर जी हेलो उस्मान जी हेलो 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 कैसे हो आप सब लोग uh, जैसे कि मैंने कल कहा था कि मैं आज लाइव आने वाली हूँ बहुत टाइम के बाद एक्चुअली थोड़ा गैप हो जाता है ड्यू टू द लॉकडाउन बहुत सारी चीज़ें खुद से करना पड़ता है तो थोड़ा टाइम मैनेज करना डिफ़िकल्टी हो जाती है हमारे लिए सो या व्हाट इज़ द मैटर प्लीज़ टेल मी सद्दाम हुसैन जी मैटर matter... <laughs> मैटर कुछ भी नहीं है जैसे कि मैं अपनी फेसबुक फैमिली से मिलने आती हूँ हमेशा उनसे बातें करने आती हूँ एंड आई फील सो पॉजिटिव जब मैं आती हूँ आप सबसे बातें करती हूँ तो मुझे बहुत बहुत अच्छा फील होता है एंड गुड इवनिंग गुड इवनिंग जी uh, uh, जसबीर जी एंड uh, राहुल यादव जी गुड नाइट नाइट तो नहीं हुआ राहुल जी अभी तो मैं फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए हूँ यहाँ पे uh, मैं आप सब से बातें करने आई हूँ आप और पवन भैया का सॉन्ग तहलका मचा बिल्कुल बिल्कुल पवन भैया मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है एंड uh, थैंक यू बारिश बन जाना भोजपुरी को भी आप लोग जिस तरीके तरीके से प्यार दे रहे हैं ट्रेंडिंग पे है एंड uh, वीडियो में uh, भी मैं और पवन भैया है साथ में तो थैंक यू सो मच आप लोगों ने बहुत बहुत सारा प्यार दिया है मतलब मैं तो लाइक आई एम लाइक आउट ऑफ मतलब मेरी माई हैप्पीनेस इज़ लाइक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड राइट नाउ बिकॉज इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था जितना आप सबने प्यार दिया है एक्चुअली आप सब लोग हमेशा ही इतना ज़्यादा प्यार देते हो हर गाने को <coughs> जैसे कि आप सबको फील हो रहा मेरी आवाज़ थोड़ी खराब है सो गुड इवनिंग जी ध्रुव सिंह परिहार जी uh, uh, आपको बहुत बहुत बहुत, 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 बहुत आवाज़ के लिए थैंक यू जय सी कौर जी आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे सबसे पहले तो मुझे सब, आप सबको थैंक्स बोलना था मैं इसलिए आई हूँ uh, एक बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि uh, बारिश बन जाना हिंदी को तो आप लोगों ने दिया ही है इतना इतना सारा प्यार एंड uh, भोजपुरी भी जो है उसको भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है आई I मीन mean, अभी uh, तीन चार दिन हुए हैं एंड uh, अभी ट्रेंडिंग पे है एंड ट्वेंटी मिलियन प्लस हो चुके हैं व्यूज़ एंड पवन भैया के साथ पवन सिंह जी के साथ मेरा सेकंड सॉन्ग है आफ्टर कमरिया हिलाारी है मैं बहुत टाइम से जैसा कि मैंने आप सबको कहा था <clears throat> कि हमारा हो रहा शूट हो रहा शूट हो रहा सो so, फाइनली आप सबके सामने है एंड uh, आप सबको बहुत पसंद आ रहा है एंड आई होप अगर बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना है तो प्लीज़ आप चाहिए वायरल ओरिजिनल्स के यूट्यूब चैनल पे एंड uh, ज़रूर सुनिए बारिश बन जाना भोजपुरी वर्जन भी uh, मैंने भी कोशिश किया एक्चुअली मुझे एक्चुअली पवन भैया ने बताया कि जो हुक लाइन है वो मैंने थोड़ा भोजपुरी में ही गाने की कोशिश की है उनसे सीख के बेसिकली एंड <laughs> आगे हो सकता है मैं उनसे थोड़े और क्लासेस लूँ तो सो थोड़ा और सीख जाऊँगी मैं भोजपुरी ऑफ कोर्स थैंक यू सुल्तान जी मनीष um, गुप्ता जी वेरी नाइस वॉइस थैंक यू मनीष गुप्ता जी Uh, मैं आप सब कहाँ कहाँ से हो प्लीज़ मुझे बताइए बिकॉज़ uh, uh, बहुत 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 सारे कमेंट्स तो ऐसे ही बहुत फास्ट चले जाते हैं तो आप बताइए आप में से कौन आर्टिस्ट है मैं ज़रूर जानना चाहूँगी एंड एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई आर्टिस्ट मुझे ज्वाइन करते हैं यू नो लाइक मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि हर आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहे अपने आप में कभी कभार आप जो चाहते हो थोड़ा लेट मिलता आपको यू you नो know, आपका भी जो भी गोल होता है पर ऑफकोर्स आप मेहनत करते जाइए एंड मैं जानना चाहती हूँ आज कितने आर्टिस्ट ने मुझे ज्वाइन किया है एंड कौन सा मना रखा है आपने ब्रिजेश कुमार जी ये तो आपने मुझे ज्वाइन किया है प्लीज़ आप सर्च कीजिए मैंने कौन से गाने बना के रखे हैं यूट्यूब पे जाइए ज़रूर आपको मिल जाएंगे एंड यस सब ने मुझे जॉइन किया है दिल लौटा दो जो मेरा लेटेस्ट सॉन्ग है जो टी सीरीज़ से आया है एंड <coughs> आप लोगों ने इतना इतना ज़्यादा प्यार दिया है uh, इसको गाया है जूबिन ने uh, जूबिन नोट्याल एंड मैंने एंड म्यूज़िक किया म्यूज़िक कंपोज मैंने किया है कोर्स एंड लिरिक्स लिखे हैं कुणाल वर्मा जी ने uh, मेरे बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है एंड म्यूज़िक प्रोडक्शन किया आदित्य ने आदित्य जी ने एंड ओवरऑल इट्स अ ब्यूटीफुल पैकेज एंड वीडियो डायरेक्ट किया नवजीत भुट्टर जी ने जिन्होंने रिसेंटली एक और गाना मेरा रिलीज़ हुआ था तुम बेवफा हो उनका वीडियो उसका वीडियो उन्होंने बनाया था तो उन्होंने ही दिल लौटा दो का वीडियो बनाया है इसमें कास्ट जो है वो है सयामी खेर जो कि आपने बहुत सारे सीरीज़ में देखा होगा उनको जो भी अमेजोन एंड बहुत आजकल यू नो लाइक सीरीज़ सीरीजेस तो सब लोग देखते हैं अमेज़ॉन प्राइम पे एंड ओ टी टी प्लेटफॉर्म पे एंड सनी कौशल जी है जो तारों के शहर में थे तो इट्स ओवरऑल इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पैकेज आप जरूर टी सीरीज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जाइए एंड ये गाना भी सुनिए दिल लौटा दो मेरा चले जाएंगे बहुत ही खूबसूरत लिरिक्स है एंड बहुत दिल से बनाया है ये गाना एक्चुअली ये गाना आपको पता कब का है आफ्टर uh, तुम ही आना मैंने ये गाना कंपोज किया था एंड uh, भूषण सर ने हमारे टी सीरीज़ के जो ओनर है उन्होंने ये गाना रखा था कि हम इसे अलग विल डू इट इन लाइक अनदर नेक्स्ट लेवल थिंग विल मेक इट सो ऑफ ऑफकोर्स इफ़ यू विल सी द वीडियो वीडियो कॉन्सेप्ट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट उन्होंने कहीं पे भी इतना सा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है ये गाना उनका बहुत फेवरेट था एंड मुझे बहुत खुशी है कि ये गाना वहाँ से रिलीज है एंड uh, uh, जैसे कि है आप सब ने बहुत बहुत ज़्यादा प्यार दिया है कुछ ट्वेंटी सेवन मिलियन पे है अभी एंड uh, अगर आप लोगों ने नहीं देखा बाय एनी चांस दिल लौटा दो तो प्लीज़ प्लीज़ जाके देखिए यूट्यूब चैनल पे आई uh, थिंक uh, आप लोग ऑलरेडी आप लोगों ने सब्सक्राइब करके रखा होगा टी सीरीज़ का जो यू, यूट्यूब चैनल है तो ज़रूर जाइए एंड वहाँ पे दिल लौटा दो है जिसमें आपके फेवरेट सिंगर्स हैं जुबिन है और मैं जैसे कि आप लोग मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते हो प्लीज़ तो प्लीज़ प्लीज जाके गाना देखिए एंड और भी बहुत बहुत सारा प्यार दीजिए इसको एंड बारिश बन जाना भोजपुरी को भी बहुत ज़्यादा दीजिए सो य আপনি তো বাংলা কথা বলতে পারেন তুষার খানজি নিশ্চয়ই আমি বলতে পারি বাট এখানে অনেক জনা আছে যারা ইউনো বাংলা বুঝতে পারবে না তাই জন্যেই আমাকে হিন্দিতে বলতে হবে হিন্দি অর ইংলিশ সো আই থিঙ্ক ইউ অলসো আন্ডারস্ট্যান্ড ইংলিশ অ্যান্ড হিন্দি তো আই থিঙ্ক ম্যা हिंदी में ही बात करूंगी मोस्टली क्योंकि आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो हिंदी समझते हैं एंड मुझे भी हिंदी बोलना बहुत पसंद है भोजपुरी में आपकी आवाज़ मस्त लग रही है कृष्णा जी बोल रहे हैं थैंक यू सो मच कृष्णा जी सच अ बिग कॉम्प्लीमेंट बिकॉज मैं जब गा रही थी तो मैं बहुत डर डर के गा रही थी कि कहीं मैं कुछ मिस्टेक ना करूँ क्योंकि हर लैंग्वेज की एक इज्जत होती है तो मैंने जब गाया मैंने पवन भैया को सुनाया था उन्होंने बोला कि नहीं ये आपका डिक्शन क्लियर लग रहा है मैंने पूछा भी उनको कि देखिए सही लग रहा है या नहीं <laughs> तो बट उन्होंने कहा कि हाँ कैन यू सिंग मलयालम सॉन्ग रंजीत नाथ जी यस यस बिल्कुल एज अ सिंगर आई कैन सिंग इन एनी लैंग्वेजेस हमें लिरिक्स पढ़ने होते हैं लिरिक्स का मतलब बस मीनिंग समझना पड़ता है अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग एज अ सिंगर वो फील डाल देते हैं गाने में ऑफ कोर्स एंड कोई भी लैंग्वेज में हम लोग गाना गा सकते हैं एक्चुअली मैंने तमिल गाया है तेलुगु गाया है एंड uh, uh, बंगाली तो ऑफ़कोर्स मैं हूँ तो बंगाली गाया है मैंने गुजराती गाया है एंड बहुत सारे लैंग्वेज़ में मैंने गाया है ऑलरेडी तो मलयालम ऑल्सो आई विल डेफिनेटली ट्राई हर Uh, बहुत सारा डन uh, रिजोर जी थैंक यू सो मच राज मैम बहुत स्वीट थैंक यू थैंक यू राज के एच जी के एच का मतलब क्या होता प्लीज़ मुझे बताइए uh, मुझे जानना है ग्रेट सॉन्ग थैंक यू सो मच आप सबको एक्चुअली बहुत बहुत थैंक्स क्योंकि मैं जब भी आप लोगों से बात करती हूँ यहाँ पे मैं लाइव आती हूँ उसके बाद ना मेरे में एक अलग एनर्जी आती है एंड मैं कुछ अच्छे गाने क्रिएट कर पाती हूँ क्योंकि बिकॉज़ ये आप सबका प्यार है जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ एंड आई होप आपको आगे आने वाले वक्त में मेरे हर गाने को पसंद पसंद आएगा आई थिंक सो मतलब मुझे ऐसा लगता है एंड प्लीज़ नहीं आए तो वो भी बताइए मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आपको जो चीज़ नहीं समझ आए मुझे ज़रूर बताइए तो मैं उसके अकॉर्डिंग काम करूँ कि हाँ जो चीज़ आप लोगों को पसंद नहीं आ रही वो चीज़ मैं शायद दोबारा ना करूँ डू यू नो कन्नडा सॉन्ग कन्नड़ कन्नड़ नहीं कन्नड़ शायद मैंने नहीं गाया है विराट जी बट आई विल डेफिनेटली सिंग अगर मेरे पास ऐसा कुछ सॉन्ग आता है तो मैं आई विल लव टू सिंग दैट ऑल्सो बिकॉज़ यू नो मतलब मुझे अदर अदर लैंग्वेज़ में गाना बहुत ज़्यादा पसंद है एंड सीखना बहुत पसंद है मुझे चाहे कुछ भी हो मुझे सीखना बहुत ज़्यादा पसंद है <clears throat> तो जब भी ऐसा कुछ होता है जब हम लोग अदर लैंग्वेज में गाना गाना गाते हैं तो हमारे पास लिरिसिस्ट होते हैं जो उस लैंग्वेज को बहुत अच्छे से जानते हैं तो हमें लिटरली वो लोग बताते हैं कि हाँ इसको ये प्रोनाउंस करना है आपका ये डिक्शन ये होना चाहिए तो बहुत अच्छा लगता है एंड थैंक यू सो मच अकबर हाँ जी आपकी सॉन्ग मुझे मेरे आई पी एम एल में मैं कोशिश करा एक्चुअली so, uh, अकबर जी आई पी एम एल में जो भी uh, हुए हैं ना परफॉर्मेंसेस मेरे पास भी वीडियोज़ नहीं है मैंने भी आई uh, थिंक मेरे पास भी वीडियोज़ आ जाएंगे तो मेरा जो पर्सनल यूट्यूब चैनल है पायल देव ऑफिशियल जो है उस पर मैं ज़रूर डालूंगी एंड आप वहाँ से ज़रूर देखना अगर हो सकता है तो आप डाउनलोड कर सकते हो मैं बहुत जल्दी आई के जो भी परफॉर्मेंसेस हैं वो ज़रूर डालूंगी एंड थैंक यू सो मच आप लोगों ने आई पी में भी मुझे बहुत बहुत सारा प्यार दिया बहुत सारे वोट्स दिया आप लोगों ने एंड हम लोग काफ़ी आगे तक गए थे आ, फिनाले तक भी जाते बट ऑफ़ कोर्स वो टाई ब्रेकर हो गया था तो जिसकी वजह से एक दिन का बस टाइम था तो वोट्स के लिए वो नहीं हो पाया सो इट्स ओके देखिए एक गेम होता है गेम में कोई एक ही जीतता है हमेशा तो जीत किसी एक की होती है तो वी ऑल ट्राइड सो वेल एंड एंड एक मिनट में यूसुफ डिड यू सिंग पाश्तो पशतो नहीं नहीं गाया है मैंने पशतो का जो वो बीट पैटर्न है ना जो रिदम पैटर्न है मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कोर्स बहुत ही मुझे मेरा बहुत फेवरेट सॉन्ग है कोर्स मैं अभी आने वाले वक्त में हर लैंग्वेज में गाना चाहूँगी एंड uh, uh, मुझे मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं आपका भोजपुरी बहुत अच्छा लगा तो मैं भोजपुरी में कुछ और भी करूंगी क्योंकि अभी एक सरप्राइज़ ये भी है जो भी हमें देख रहे हैं कि पवन भैया के साथ आने वाले वक्त में बहुत जल्दी और भी गाने आ रहे हैं मेरे और पवन भैया के तो उसके लिए ज़रूर वेट कीजिए एंड उसमें क्या है हिंदी गाना है हिंदी में बस हमने कहीं कहीं पर भोजपुरी का एक तड़का लगाया है कहीं 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 पर तो वो आपको बहुत मज़ा आएगा एंड जस्ट थोड़ा वेट कीजिए ये गाने भी बहुत जल्दी आने वाले हैं एंड अगर आप लोग मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ पूछिए Uh, भोजपुरी वर्जन वर्जन वन नंबर वन लगावाओ थैंक यू सो मच इतने सारे कॉम्प्लीमेंट आ रहे हैं ना बारिश बन जाना भोजपुरी के लिए कि मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ मतलब बहुत बहुत अच्छा लग रहा है एंड मैं अभी आगे और भी आ, कुछ ऐसे गाने क्रिएट करूँगी जिसमें मैं पवन भैया से गवाऊँ ये गाने क्योंकि आई पर्सनली लव्ड हिज वॉइस इन दिस काइंड ऑफ अ सॉन्ग्स ऑल्सो कि जो रोमांटिक उन्होंने इतना अच्छा गाया है एंड मैंने मुझे तो उनकी आवाज़ वैसे ही पसंद है जब वो डांस ट्रैक गाते हैं तो भी इतना अच्छा गाते हैं रोमांटिक भी बहुत अच्छा गाया उन्होंने तो ऑफ कोर्स मैं आगे अभी आप और भी सुनोगे अच्छे अच्छे गाने मेरे और पवन भैया के सो बिल्कुल वेट कीजिए एंड इतना सारा प्यार देते रहिए प्लीज़ हमारे गानों को अच्छा आपको पता मुझे ना जैसे मैं पोस्ट डालती हूँ तो कुछ कुछ लोग थे ना वो क्या लिख रहे थे कि आ, मैडम इतना एटीट्यूड अच्छा नहीं है आप दूसरे गानों को प्रमोट कर रहे पवन जी के गाने को नहीं कर रहे ऐसा क्यों होगा भाई देखिए अगर आपके घर में आपके अगर दो बच्चे हैं तो फिर आप दोनों बच्चों को प्यार करोगे ना तो ये दोनों गाने तो मेरे ही है चाहे वो दिल लौटा दो हो चाहे बारिश बन जाना हो दोनों मेरे ही गाने तो मैं दोनों ही प्रमोट करूंगी ना ऑफकोर्स मैं क्यों क्यों ना करूँ किस बात से ना करूँ तो ऐसे बहुत लोगों को अगर ऐसा लगता है तो प्लीज़ ये चीज़ आप दिमाग से निकाल दें जहाँ तक पोस्ट करने की बात है और वो तो वो हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटिव बन के जब आता है हम लोग तभी पोस्ट कर सकते हैं एंड uh, सिंधी सॉन्ग मुझे बहुत सारे अब मुझे रीजनल के लिए बहुत आ रहे हैं पता सिंधी सॉन्ग के लिए भी आ रहा है पश्तो भी आ गया एंड मलयालम भी आ गया अब मैं ज़रूर गाऊँगी मैं आप सबके लिए गाऊँगी ऑफकोर्स बस थोड़ा मुझे टाइम दीजिए एक बार ये सब ये लॉकडाउन वॉकडाउन ख़त्म हो जाता है मैं ज़रूर ज़रूर करूँगी किसी का फोन आया कि खेसारी लाल जी के साथ गा गाना नहीं गाना है <laughs> देखिए उसके लिए मुझे कुछ ज़्यादा भोजपुरी सीखना पड़ेगा क्योंकि मैं इतना ज़्यादा भोजपुरी समझती नहीं हूँ एंड uh, मैं कोशिश करती हूँ कि जितना मिनिमम से मिनिमम हो सके मतलब मिस्टेक्स करूँ uh, किसी भी गाने को समझ के लेकिन डेफिनेटली आई एल वर्क विथ हिम डेफिनेटली मैं जरूर बा जरूर जरूर करूँगी सो हेलो 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 लगता मुझे बहुत लोग ना अभी ज्वाइन कर रहे हैं uh, वैसे आठ बजे का टाइम था तो मैं तो बिल्कुल आज टाइम पर आ गई हूँ पिछली बार मैं आई थिंक आई रिम्बर मैं हाफ एन आवर लेट थी um, चलिए आप लोगों ने इतना ज्यादा प्यार दिया है <coughs> मेरा गला थोड़ा आज खराब है एज यू कैन सी खराश बहुत है गले में बट ऑफकोर्स आप लोगों के लिए मैं वो गाना गा देती हूँ जो जिसके लिए मेरे को इतना ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट आ रहा hmm, hmm, जब हम बादल बन जाए तू बारिश बन के आई हाँ जब सांस भी कम पड़ जाए तू हमरा दिल में समय हाँ रिमझिम सावन की बूंदे तू हर मौसम बर सही जब सांस भी कम पड़ जाए तू हमरा दिल में समय हा इसमें पवन भैया की लाइंस थी जैसे मैंने हिंदी वाला पोर्शन मेरा था मेरी किस्मतों को मिले हाथ थे से लाइव गाए तो माफ कर देना अगर कहीं पे भी मैंने गलत गाया हो तो जरूर और एक गाना और है जस्ट मैं इसके बाद ही आपको सुनाना चाहूंगी दिल लौटा दो जो सॉन्ग है मेरे दिल के बहुत बहुत करीब है एंड आप लोग प्लीज सुनिए अगर आप लोगों ने नहीं सुना मैं जस्ट आपको आप सबके लिए एक गाना ये डेडिकेट करती हूँ hmm.

हो कर के तन कहाँ जाएंगे दिल लौटा दो मेरा चले जाएंगे चले जाएंगे जो हम सफर हम नहीं हैं तो यही पर छोड़ दो रहने दो सारी बहानी मुझे आकर बो

এমন মাথায় বেঁধে দেব লাল গিনদা ফুল বড় লোকের বিটি লল লম্বা লম্বা চূল এমন মাথায় বেঁধে দেব লাল গিনদা ফুল এমন মাথায় বেঁধে দেব লাল গিনদা ফুল তো ये एक मैंने एक छोटा सा मिडले बनाया आप सबके लिए <clears throat> क्योंकि ऑफ कोर्स मैं इतनी देर से बोले जा रही थी बोले बहुत लोगों को लग रहा होगा कि मैं कब गाऊंगी एक रिक्वेस्ट है तुम ही आना जो मैं ज़रूर गाऊंगी अभी मैं गाने वाली हूँ बस थोड़ी देर में थैंक यू सो मच आप सबके बहुत अच्छे अच्छे कॉमेंट्स आ रहे हैं मैं बस देख पा रही हूँ आई एम आई एम बांग्लादेश आई विल सॉरी मैं आगे समझ नहीं पा रही हूँ और कौन है हाई हाई आई थिंक अभी मुझे बहुत लोग ज्वाइन कर रहे हैं कासिर सियाल जी सो सूट वाइज एंड नाइस सॉन्ग मैम थैंक यू थैंक यू संतोष चौधरी जी आ, बॉबी सिंह जी थैंक यू आ, आ, इसका भी भोजपुरी भोजपुरी वर्जन आना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल अभी तो बस हमारा शुरू हो चुका आप बस देखिए अभी पवन जी के साथ कितने गाने आएंगे हमारा बस हम लोग बस गाने रेडी कर ही रहे हैं एंड थैंक यू थैंक यू फरीद स्वाति जी या सो स्वीट आपने लिखा है थैंक यू uh, हाँ तो ये था तो ये गाने थे जो कि मेरे बहुत बहुत फेवरेट थे बेसिकली <clears throat> मैं जब भी कुछ कंपोज करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कोर्स एज अ कंपोजर आपको पता बहुत ज़्यादा प्रेशर भी होता है कि हमें पता नहीं कौन सा गाना सबको पसंद आएगा कौन सा नहीं आएगा तो जब भी हम लोग कुछ भी नया क्रिएट करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा टेंशन होता है माइंड में कि हाँ पता नहीं ये चलेगा या नहीं चलेगा ये सबको पसंद आएगा या नहीं चलेगा तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा एज़ अ क्रिएटर हम लोगों के माइंड में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है चाहे कोई भी हो कोई भी म्यूज़िक कंपोज़र हो बहुत सारी चीज़ें चलती है एंड आपको पता बहुत सारा मेहनत होता है एक गाना उसमें जैसे लाइव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे मतलब बारिश बन जाना में आप देख सकते हो जो बीच में एक पोर्शन है जहाँ पे मैंडलिन प्ले करते हैं उन्होंने ओरिजिनली प्ले किया वो उनका नाम है तापोष हम लोग तापोष था बोलते हैं उनको उन्होंने ही गेंदा फूल में भी प्ले किया है एंड उन्होंने ही दिल लौटा दो में भी प्ले किया है तो एक जैसे भी एक गाना होता तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग लाइव करते हैं रिदम जैसे आप देखिए दिल लौटा दो में पूरे लाइव रिदम्स से, है लाइव सेक्शंस कराया हमने प्रॉपर मतलब उसमें बहुत बहुत सारे म्यूजिशियंस इन्वॉल्व है सो आई रियली वांट टू थैंक देम ऑल की एक गाने में आप लोगों की वजह से और ज़्यादा जान आ जाती है आप आप लोगों का जब टैलेंट ऐड होता है उसमें तो थैंक यू थैंक यू सो मच तो आई थिंक मेरे लिए कुछ क्वेश्चंस नहीं आते यार आप लोग मुझसे कुछ पूछते नहीं हो आप पूछो तो सही आ, हाँ देखो किसी ने, ने पूछा है सौद प्रकाश जी ने हेलो पायल देव हाव य बेस्ट वन ऑफ योर सॉन्ग बारिश भोजे थैंक यू सौद प्रकाश जी एंड थैंक यू सो मच आप लोगों को इतना पसंद आया आप लोग मुझे और ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हो अभी मैं आगे और भी अदर लैंग्वेजेस में भी गाने वाली हूँ एंड हेलो पायल जी फ्रॉम यू अच्छा यू से भी मुझे लोगों ने ज्वाइन किया बांग्लादेश से भी ज्वाइन किया थैंक यू सो मच आई एम सो ग्लैड कि आप वहाँ पर भी मेरे गानों को सुनते हैं प्यार करते हैं मेरे लिए से बड़ी बात नहीं होगी कि मेरे जो भी लिसनर्स हैं वो मेरे गाने सुनते हैं अफकोर्स हम आर्टिस्ट होते ही है आपकी वजह से जो भी होता है हमारा लाइक like, हम चाहे हम लोग चलते हैं या नहीं चलते सब आप लोग का ही योगदान रहता है उसमें ऑफकोर्स बट आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया है मेरे हर गाने को बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको एंड uh, साथ, साथ मैं मुझे तुम ही आने के लिए आया था तो मैं ज़रूर सुनाती हूँ आपको तुम ही आना uh, मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट सॉन्ग है कि एज अ कम्पोजर मैंने वो गाना फर्स्ट मेरा था जो फिल्म का सॉन्ग रिलीज़ हुआ था तुम ही आना जो कि एक रेज बन गया है विच इज़ वन बिलियन प्लस तो मैंने इतना नहीं सोचा था ऑफकोर्स आप सब लोगों ने कुछ ज़्यादा ही प्यार दिया है सच में थैंक यू सो मच तो मैं आप सबके लिए तुम ही आना का की कुछ लाइन्स गाना चाहती हूँ hmm.

थैंक यू थैंक यू सो मच ये था मेरा सॉन्ग एक्चुअली तुम ही आना जिसने एक्चुअली मेरी लाइफ चेंज कर दी है इस गाने के बाद एक मेरी अलग पहचान बनी है आ, मैंने कभी भी नहीं सोचा था एज अ कंपोज़र काम करूँगी क्योंकि दे आर वेरी लिमिटेड फीमेल कंपोजर्स इन आर इंडस्ट्री तो मैंने तो एटलीस्ट बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं आगे कभी म्यूजिक कंपोज़र बनूँगी तो ये इस गाने को आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया कि मैं बिल्कुल मोटिवेट हो गई एंड आज मैं फुल फ्लजड एज़ अ म्यूज़िक कंपोजर काम कर पा रही हूँ बस ये कॉन्फिडेंस है जो आप सब ने मुझे दिया है एंड स्पेशल स्पेशल थैंक्स टू भूषण सर हमारे टी सीरीज़ के ओनर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ये गाना जब उनको हमने भेजा था तो ऑफ़कोर्स उन्होंने ये भी नहीं पूछा था कि ये किसने कंपोज किया क्या उन्होंने बोला ये गाना लॉक है ये हमारा है सॉन्ग तो ऑफ़ कोर्स एक ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि जिस वक्त आप कुछ नई चीज़ें करती हो करते हो एंड आपको एक सपोर्ट मिलता है विच इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट तो मुझे वो सपोर्ट मिला है ऑफकोर्स टी सीरीज से भूषण सर ने बहुत ज़्यादा um, वो दिया है सपोर्ट तो अफकोर्स थैंक यू सो मच सर एंड Uh, हाँ मैं कुछ पढ़ लेती हूँ मैम आप एक बार पवन भैया के साथ पंजाबी सॉन्ग का भी तड़का लगाइए हाँ बहुत अच्छा आइडिया एक्चुअली पता पवन भैया की आवाज़ में पंजाबी सॉन्ग भी बहुत अच्छा लगेगा मैं ये मैसेज ज़रूर उनको दूंगी एंड uh, uh, हम लोग बिल्कुल ट्राई करेंगे बहुत अच्छा आपने एक आइडिया दिया है आपका नाम एक्चुअली ऊपर uh, चला गया प्लीज़ मुझे एक बार और लिखिए ताकि मैं आपका नाम मेन्शन कर सकूँ uh, कोई राहुल सिंह जी बोल रहे पायल जी नमस्कार नमस्कार राहुल जी एंड आई होप आप सब लोग अच्छे हो एंड uh, आप सब लोग अच्छे रही बिल्कुल कोविड uh, तो अभी थोड़ा बैलेंस्ड uh, है अभी आई डोंट नो क्या थर्ड वेव थर्ड वेव क्या सब लोग बहुत ज़्यादा रूमर्स है पता नहीं कितना सच है बट हम लोग काफ़ी केयरफुल रह रहे हैं कि कहीं भी ज़्यादा बाहर नहीं जाना एंड मोस्टली uh, जितना टाइम हो सके घर पे स्पेंड करना क्योंकि आपको पता है मेरे घर पर स्टूडियो Uh, अच्छा आपको एक चीज़ पता है मे मेरे ना स्टूडियो में मैंने एक चीज़ करवाया है जो कि स्टार्स वाली फीलिंग आती है मैं आपको दिखाती हूँ वन सेकंड एलेक्सा स्टूडियो ऑफ ओके हाँ अब आप देख सकते हैं ये ऊपर जो स्टार्स वाली फील है ये जब भी हम लोग कुछ म्यूजिक कंपोज़ करते हैं या फिर म्यूज़िक प्रोडक्शन पे काम होता है तो ये वाला बिल्कुल मोड हम लोग रखते हैं एलेक्सा स्टूडियो ऑन तो इस पे गाने बहुत अच्छे बनते हैं क्योंकि वो एक फील चेंज हो जाता है एंड स्टूडियो uh, का फील हमेशा थोड़ा डार्क रहता है हमेशा तो उसमें गाने अच्छे बनते हैं <laughs> तो ये था स्टार्स का कमाल है <laughs> ओके थैंक यू थैंक यू गाइज मुझे जब सब लोग अभी भी बहुत लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो जिन लोगों ने मुझे अभी अभी ज्वाइन किया उन सबको हेलो मेरी तरफ से एंड जिन लोगों ने मुझे पहले से ही ज्वाइन किया उनसे तो मैं ऑलरेडी बहुत सारी बातें करी प्लीज़ आप लोग अपने बारे में भी कुछ बताइए एंड कुछ भी और कुछ पूछना आपको प्लीज़ मेरे से पूछिए आलोक कुमार जी बोल रहे पवन भैया के साथ आपका सॉन्ग कब आ रही है आ रही है होना चाहिए आ रहा है आई थिंक वो होना बहुत जल्दी आ रहा है एक और सॉन्ग है बहुत ही धमाकेदार गाना है जस्ट आपको एक वाइब दे देती हूँ ये एक रोमांटिक ट्रैक था इस बार थोड़ा हम लोग डांस ट्रैक पे काम कर रहे हैं जिसके तो पवन भैया किंग है कोर्स तो वो काफ़ी जल्दी आएगा उसके लिए थोड़ा वेट कीजिए एंड बहुत सारा सपोर्ट कीजिए हमें कि हम जल्दी से गाना ला सकें एंड थैंक यू गुड 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 आई लाक यू थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू थैंक यू सब आप सबके बहुत बहुत अच्छे अच्छे कॉमेंट्स आ रहे हैं मैं uh, सब एक एक पर्सनल वो पढ़ नहीं पा रही हूँ धीरज uh, राजपूत जी बोल रहे पावर स्टार पवन सिंह के साथ अगला बॉलीवुड सॉन्ग कब आएगा मैंने अभी जस्ट इससे पहले बोला धीरज जी आप ज़रूर ये लाइव अगर आप दोबारा देखते हैं तो प्लीज़ uh, ये जरूर देखिए uh, चलो uh, इस बीच में आपको एक Uh, गाना सुना देती हूँ um, दिल चाहते हो या जा चाहते हो बहुत ज़्यादा मेरे दिल के करीब है ये गाना um, क्योंकि ये एक पहली बार था मैंने कुछ इस जोन क, का गाना ऐसे क्रैक किया था एंड सब ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है सो so, मैं आप सबके लिए वो गाना सुना देती हूँ हमारा जग से जुदा है खुशियाँ तुम्हारी हमारी वफा है किस्मत अपनी पढ़ ली है हमने तुम्हारे सिवाना कुछ भी लिखा है मुजरम भी हम बन जाएंगे देना तुम सजा चाहते हो हंसते हंसते कर देंगे ये भी हो ना गई तुम जुदा चाहते हो दिल चाहते हो या जा चाहते हो हमसे बताओ कि क्या चाहते हो खुद के अंदर मर जाएंगे गम ना कभी बाहर लाएंगे हंसते हंसते कर देंगे ये भी होना गए तुम जुदा चाहते हो हंसते हंसते कर देंगे ये भी होना गर तुम जुदा चाहते हो तो ये दिल चाहते हो या जा चाहते हो जिसको बहुत ही खूबसूरती से लिखा है एम तुराज भाई ने Uh, उन्होंने बहुत ही बड़े बड़े गाने लिखे हैं ऑफकोर्स uh, जैसे उसमें से कुछ है बिनते दिल uh, उन्होंने एक्चुअली मेरा फर्स्ट uh, सॉन्ग जो था जो मैंने uh, संजय लीला भंसाली सर के लिए गाया था वो भी उन्होंने ही लिखा था कुछ उस गाने के बोल थे अब तो ही जाने ना दूंगी तो वो भी एम तुराज भाई ने लिखे थे बहुत ही क्लास क्लास गाने उन्होंने लिखे एंड um, काफ़ी कुछ मतलब हमारे आगे की प्लानिंग है जो उनके साथ भी मैं कर रही हूँ बहुत ही अच्छा लिखते हैं माइंड ब्लोइंग एंड इस गाने को गाया था जूबिन ने और मैंने कोर्स uh, जूबिन की अगर बात करूँ तो मेरे तो भाई है ही वो वो तो चलो अगर मैं सेकेंडरी रखती हूँ तो ही इज़ एन अमेजिंग सिंगर एक अलग टोन है एक अलग स्टाइल ऑफ सिंगिंग है Um, जो कि जब वो गाते हैं ना गाना और भी खूबसूरत हो जाता है सो आई ही इज़ माई पर्सनल फेवरेट अफकोर्स एंड एक सबसे अच्छी बात है उनको कैसा भी गाना हो उनको मैं गवाती हूँ ना तो वो बिल्कुल खनक के आती है उनकी आवाज़ तो मेरा मेरे तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है आई थिंक आप सबके भी होंगे कोर्स इतने सारे गाने आते हैं उनके एंड सी uh, <coughs> क्या जय हो भोजपुरी एक बार पवन भैया वाला गाना सुना जरूर मैं वो सुना के ही जाऊंगी सबसे पहले एक गाना और सुनाती हूँ जो पवन भैया के साथ पहला गाना था कमरिया है जो था आ, तो वो उस गाने को भी काफी ज्यादा प्यार मिला आप सबका तो मैं वो गाना सुनाती हूँ रंग बिरंगी होली में एक बात मेरी तू सुन लेना मस्ती वाला भांग लगा के लगा के लगा के मस्ती वाला भांग लगा के सारा रारा कर लेना आ आ अरे महंगा लहंगा पहन के गोरी अरे काला चश्मा लगा के गोरी महंगा लहंगा पहन के गोरी काला चश्मा लगा के गोरी भिगा के चोली गिराए बिजोरी फागुन में रंग बरसा रही है कमरिया हिला रही है गुलाल उड़ा रही है कमरिया हिला रही है बवाल मचा रही है कमरिया हिला रही है गुलाल उड़ा रही है कमरिया हिला रही है गुलाल उड़ा रही है अब इसके साथ सरप्राइज में क्या करूंगी जब हम बादल बन जाए तू बारिश बन के आई हा जब सांस भी कम पड़ जाए तू हम रात में समय हा रिमझिम सावन की बूंदे तू हर मौसम भर सही जब सांस भी कम पड़ जाए तो हम रात में समय हा तो ये दो गाने थे पवन भैया के साथ बैक टू बैक तो जितने भी पवन भैया के फैन हैं तो ये उन सब के लिए डेडिकेटेड था एंड बहुत जल्दी हम लोग कुछ और भी गाने लेके आ रहे हैं पवन भैया के साथ तो एक्साइटमेंट इतना ही आप रखना एंड अगला जो आ रहा है वो धमाके वाला ट्रैक आ रहा है बहुत ही खतरनाक है डांस uh, ट्रैक है आप सबको बहुत पसंद आने वाला है सो बिल्कुल आफ्टर कमरिया दिस विल बी आर सेकेंड सॉन्ग जो कि मस्ती धमाल वाला थोड़ा डांस ट्रैक हो सो so, प्लीज़ उसके लिए आप तैयार है और संग पवन राहुल राज जी प्लीज़ मैंने ये बात बोल दिया पवन सिंह जी के साथ बहुत जल्दी गाना आ रहा आप प्लीज़ वो ज़रूर देखिए हो सकता आपके है आपके कमेंट्स ऐसे टाइमिंग बहुत अजीब होता है कमेंट्स के आ, आपको लगता है शायद पोस्ट हो रहा पर वो पोस्ट मुझे दिखता नहीं है तो मैं इसके बाद मैं अपने लाइफ को खुद देखती हूँ एंड आप लोगों के जो भी विजन है वो मैं सब पढ़ती हूँ एंड आपको पता है इसमें से बहुत ही कुछ कुछ बकवास कमेंट्स भी होते हैं बहुत सारे लोग होते हैं <laughs> जो नहीं है प्लीज़ आप दिल पे मत लीजिए कुछ कुछ ऐसे लोग हैं एक दो जो कि अजीब कमेंट्स करते हैं उनको मैं सीधा ब्लॉक करती हूँ उधर जाके एंड uh, जो uh, जो अच्छे अच्छे वाले हैं सब लोग एज इट इज़ रहते हमेशा एंड आई थिंक थर्टी एट मिनट्स हो चुका है मैं लाइव आ चुकी हूँ तो मैं अब आई थिंक मुझे जाना चाहिए एंड uh, एक लाइव हम लोग करने वाले हैं इंस्टाग्राम uh, लाइव मैं पवन भैया हम सब साथ लाइव करने वाले हैं सो so, um, ज़रूर आप हमें ज्वाइन करना हम लोग एक अनाउंसमेंट डालेंगे तो हम लोग एक लाइव पक्का जल्दी कर रहे हैं आप सबके लिए साथ में एंड uh, जल्दी मिलते हैं तो so, जाते जाते मैं आप सबके लिए एक मेरा बड़ा फेवरेट गाना है जो कि अपनी धुन से आया था क्यों एक सॉन्ग आया था जो कि बी प्राग पाजे के साथ मैंने कोलैबोरेट किया था म्यूज़िक <coughs> मैंने म्यूज़िक uh, कंपोज मैंने ही किया था एंड मैंने उनके साथ गाया था तो वो गाना मैं गाऊंगी एंड आप सबसे uh, आज के लिए मैं बाय बाय बोलूंगी एंड मैं बहुत जल्दी लाइव आऊंगी वापस <coughs> हमें याद करके तेरा भूल जाना दिल नहीं समझा तेरा दूर जाना हमें याद करके तेरा दूर जाना दिल नहीं समझा तेरा दूर जाना सब झूठ था वो तेरा हंसना हसाना तू बेवफा फिर भी दिल ये न माना जाने वाले लौट कर तू आया क्यों नहीं आऊँगा मैं बोल कर तू आया क्यों नहीं कोई वादा तूने फिर निभाया क्यों नहीं आऊँगा मैं बोल कर तू आया क्यों नहीं जाने वाले लौट कर आया क्यों नहीं आऊँगा मैं बोल कर तू आया क्यों नहीं कोई वादा तूने फिर निभाया क्यों नहीं आऊंगा मैं बोल कर तू आया क्यों नहीं ये जो सॉन्ग है इसका नाम है क्यों आप अपनी धुन के यूट्यूब चैनल पर जाके ये पूरा सॉन्ग सुन सकते हैं एंड अगर आपने नहीं सुना है तो प्लीज़ सुनिए अपनी धुन के यूट्यूब चैनल पे है गाने के नाम है क्यों के वाई ओ एन तो प्लीज़ सुनिए एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी टुडे आप सबसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा एंड आई नो मैंने बहुत सारे ऐसे कमेंट्स सारे मिस किया है मैंने बहुत सारे मैं वापस देखूंगी ये लाइव एंड आप सबके जो भी आप सब जो भी सोचते हो कि अगला गाना मुझे क्या करना चाहिए कुछ एक आपका जो भी सजेशन हो तो ज़रूर मुझे बताइए एंड मैं अकॉर्डिंगली वैसे ही काम करूँगी थैंक यू गाइज थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे एंड सी यू सून एंड आप सब लोग अपना ध्यान रखिए अपने परिवार का ध्यान रखिए एंड इस कोरोना काल में सेफ रही है बस थैंक यू